हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा मुंह इतना सोया सोया लग रहा है, मैं कल रात भर सोई नहीं हूँ। आज मुझे बहुत सारे काम थे तो उसकी वजह से मैं स्ट्रेस ले लेके मैं सोई नहीं कल रात भर। एंड आज सुबह सुबह मेरा एक अपॉइंटमेंट था तो मैं वहाँ पे जाके अभी जस्ट आई हूँ। मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अभी मेरा दूसरा अपॉइंटमेंट था 12 बजे, बट मैं थोड़ा जल्दी पहुँच गई हूँ। मुझे पता नहीं था कि मेरा पहला मीटिंग जो होगा वो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो इसकी वजह से मैंने थोड़ा 12 बजे तक का दूसरा अपॉइंटमेंट बुक किया था जो कि स्किन क्लिनिक पे है। मेरे जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, मेरे हाथ और पैरों में हाइपर हाइड्रोसिस है मुझे। एंड इतना ज़्यादा पसीना आता है कि पेपर गीला हो जाए से टपकते हैं मेरे हाथ से पानी, जब मुझे एनजाइटी या नर्वस हो जाती हूँ मैं, या कभी कभी नॉर्मली भी। तो इसकी वजह से अभी यहाँ पे भी समर्स आ गए, बहुत गर्मी पड़ रही है कोरिया में भी, तो मैंने सोचा जाके उसका ट्रीटमेंट करवा लूँ। तो मैंने अपॉइंटमेंट बुक की थी 12 बजे की, पर अब मेरा जल्दी ख़त्म हो गया और मैं जल्दी पहुँच गई थी। तो मैं जैसे ही यहाँ पे पहुँची मुझे मैसेज आया कि सॉरी 12 बजे का कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है, तो चलेगा अगर हम 12:30 का कर देंगे। तो मैंने बोला ओह, मैं तो ऑलरेडी पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे, बट कोई ना, मैं यहाँ पे वेट करूँगी। एंड ऑल्सो मेरे गले में दर्द हो रहा है, गला नहीं पता नहीं ये एरिया, थ्रोट पेन नहीं हो रहा, यहाँ पेन हो रहा है। तो मैंने सोचा कि अभी जब तक टाइम है मैं डॉक्टर के पास भी चले जाती हूँ। बट यहाँ पे मैं सर्च कर रही हूँ, मैं गंगनम में हूँ फिलहाल एंड मेरा सारा काम आज गंगनम में ही है। तो मैं गंगनम में सर्च कर रही हूँ हॉस्पिटल, मुझे हर तरह के क्लिनिक सारे, प्लास्टिक सर्जरी, डर्मेटोलॉजी, गायनेकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, बट मुझे नॉर्मल फिजिशियन नहीं मिल रहा जहाँ पर मैं जाके अपने गले का कुछ करवा पाऊँ। तो मैं कब से बस ढूंढ रही हूँ पर मुझे अभी तक मिला नहीं है। तो अभी मैं देखती हूँ, सर्च करती हूँ और पहले वहाँ पे जाती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास 2 घंटे है ऑलमोस्ट। तो मैं बहुत देर से हवा भटक रही हूँ पर मुझे कहीं पे भी फिजिशियन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सब डर्मेटोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट सब मिले, लेकिन फिजिशियन नहीं मिला एक भी। तो लगता है अब मुझे मेरा प्लान ड्रॉप करना पड़ेगा। मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, गले में नहीं यहाँ पता नहीं क्यों। तो मैंने सोचा अभी निकली हूँ तो चेकअप करा लूँ, बट लगता है प्लान ड्रॉप करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल मुझे कुछ 20-25 मिनट में जाना है अपने स्किन क्लिनिक। देखो देखो पसीना ऑलरेडी, ये तो कुछ भी नहीं है लेकिन और भी बहुत ज़्यादा पसीना आता है। एंड उसके बाद मैं जाने वाली हूँ डांस एकेडमी वापस से, मुझे वापस से एनरोल कराना था। अभी मेरा वेकेशन स्टार्ट हो गया तो मैं वापस ज्वाइन करूँगी, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। एंड सबसे ज़्यादा खुश मैं आज उसी की वजह से हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था एंड अभी वेकेशन है तो मैंने सोचा वापस ज्वाइन करूँ, थोड़ा वेकेशन में थोड़ा और इम्प्रूव करूँ। तो अभी मैं इस वीक एनरोल कराऊंगी ताकि मैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर सकूँ जाना। तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। जहाँ देखोगे यहाँ पे सड़कें ऐसी है, डर लग रहा है मुझे तो यहाँ वहाँ जाने में भी। एंड इतनी धूप पड़ रही है, अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, एकदम ऐसे मुंबई वाली फीलिंग आ रही है, जबकि मुंबई में और भी ज़्यादा गर्मी है, बट स्टिल इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे भी, इतना ज़्यादा धूप, इतनी कड़क है यहाँ पे।
Hey guys, I'm done with the consultation and the sad part is they said that they don't do hyperhidrosis, Botox on palms and feet. They said they only do it on the underarms. So I face problem over there too, so I'm going to do it. So I'm done with the Botox. They just injected the Botox in my underarms and they told me not to take hot shower and things like that. So yeah, it's done. I really wanted to do it on my palms and feet because that's the most sweaty area of my body, but it's so embarrassing when you like shake hands and meet people and your hands are always sweaty. So maybe I'm going to find again another clinic and go over there. I was looking for another skin clinic for my feet and my palms, and there was another clinic in the same building, but when I went there, the prices were too high, like extremely, extremely high. I was like, huh? And then I left, and here's the last option. Let's see how it goes. Guys, I went to the clinic, but waha baby, they only do it for the armpits and not for feet and palm. So disappointment again. मुझे नहीं लगता कि अभी एक treatment हो पाएगा आज. तो बाद में मैं पहले से ही research करके, पहले से उनको call करके पूछ के, जब मैं first clinic में गई थी, मैंने already उनके website पे देख लिया था that they do it for feet and palm. But पता नहीं अचानक से उन्होंने बोला सिर्फ underarms के लिए. बट एनी वेज, नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम, मैं पहले से कंफर्म कर लूँगी कि फीट और पाम के लिए हो, बिकॉज ऐसा लग रहा है पूरा वेस्ट हो गया ना. बट स्टिल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मुझे जाना है पहले अपने डांस एकेडमी रजिस्टर कराने, एनरोल करने. तो अभी वहाँ जा रहे हैं, उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि फाइनली अभी इतने टाइम बाद मैं डांस एकेडमी वापस ज्वाइन करने जा रही हूँ. सो लेट्स गो. तो मैं फाइनली अपने डांस एकेडमी की जगह पे आ गई हूँ. इतना अच्छा लगा इतने टाइम बाद देखकर. मैं लास्ट टाइम यहाँ दिसंबर में आई थी, उसके बाद मैं यहाँ ऐसे घूमने के लिए भी नहीं आई हूँ. तो इतना अच्छा लगा. एंड ये रहा, मैंने ये है मेरा स्टूडेंट कार्ड जो कि पुराना है एंड उन्होंने रिन्यू करा दिया क्योंकि मैं लास्ट ईयर गई थी. तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं. अभी ये नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा. एटलीस्ट मेरा एक काम हुआ आज. एंड अभी मेरा फ़ोन का बैटरी डेड था तो मैं कन्वीनियंस स्टोर में आई हूँ अपने फ़ोन को थोड़ा देर चार्ज करना. तो मैं कुछ 10 मिनट से यहाँ बैठी हुई हूँ, पर मुझे अब निकलना चाहिए. मुझे कुछ सामान ख़रीदना है, थोड़ी शॉपिंग करनी है एंड उसके बाद फिर मैं घर जाऊँगी. मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ, मुझे इतनी नींद आ रही है.
मैं यहाँ बैठे बैठे मुझे नींद आ रहा था, इवन बस में ट्रैवल करते करते मुझे बहुत नींद आ रहा था, तो मुझे लगता है मेरे को जल्दी से घर जा कर सोना चाहिए। बाय बाय, फिर मिलेंगे।